दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं 498 क्या है, इसका बढ़ता हुआ दुरुपयोग तो आप किस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपके से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पा रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो अपलोड करा जाता है उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। इससे दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि 498A क्या है। 498A का आजकल हर व्यक्ति, सरकार, हर किसी सबको चिंता है कि 498 का दुरुपयोग इतनी तरह बढ़ चुका है कि हर महिला तुरंत कुछ छोटी मोटी शिकायत भी होती है तो उसे शिकायत दर्ज करा देती है पुलिस थाने में। लेकिन 498A केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था 1983 को, ये महिला के कानून के रूप में 498A को जोड़ा गया था। लेकिन महिला की सुरक्षा के लिए जो बना कानून, उसके आज महिला इतना दुरुपयोग कर रही कि हर कोर्ट में इतना अंबा लगा है कि पूछो मत। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला इस प्रकार से 498A का झूठा दुरुपयोग करते हैं तो आप उसका जवाब किस प्रकार से दे सकते हो, उससे किस प्रकार से लड़ सकते हो। आज हर पुरुष इस 498A का उत्पीड़न झेल रहा है, क्योंकि महिला जो छोटी मोटी जो घटना होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती, कहाँ सुनी होती है, तो तुरंत पूरे जितने भी परिवार में जितने भी पुरुष हैं उनके नामजद खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है। तो पहले यह था कि पुलिस तुरंत उन व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, लेकिन हाईकोर्ट और सरकार ने देखता है कि महिला का दुरुपयोग इतना बढ़ गया कि इस धारा का उपयोग गलत तरीके से यूज में करने लगे। तो हाईकोर्ट भी देखती है कि कोई भी मुकदमा अगर इस प्रकार से बढ़ता है तो उसे किस प्रकार से रोका जा सकता है। हाईकोर्ट ने 2018 में इसमें संशोधन करने को लिए कहा था, टिप्पणी की थी कि जब तक आप उस व्यक्ति की जाँच पड़ताल नहीं करें, जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करें, इसलिए जब से थोड़ा बहुत पुरुषों को राहत मिली है, अन्यथा महिला का इतना दुरुपयोग पड़ गया है कि वो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2018 में ये निर्देश दिया था कि सीधी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो जिनका दुरुपयोग 498A में महिला द्वारा किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक तो इसमें रोक लगाने की कोशिश की है जो 31 मार्च 2018 को, क्योंकि जब तक आप तफ्तीश नहीं कर पाते या उस मुकदमे में दोनों को बिठा के आपसे समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। क्योंकि आजकल आए दिन महिला द्वारा इतना दुरुपयोग बढ़ गया है 498 द्वारा, इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की थी। अब आने वाले समय में और भी गाइडलाइन जारी हो सकती है, क्योंकि 498 का इतना दुरुपयोग बढ़ गया है कि महिला पैसे की वजह से सारी चीज़ें करने लगेगी, दहेज का जो सामान है उसे खाने की वजह से ये सारी चीज़ें करने लगेगी। इसलिए कोर्ट को और पुलिस अधिकारी को सबको मालूम है कि महिला द्वारा इतना 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसका जवाब आप किस प्रकार देते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो 498 के मुकदमे हैं उसमें 99% व्यक्ति बरी होते हैं, क्योंकि महिला द्वारा बाद में बयान चेंज कर देती है, कहीं में झूठा आरोप है, तो सारी चीज़ें को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब और भी सख्त हो सकती है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं, जैसे सुशील कुमार बारसन आदि, इस प्रकार बहुत सारे जजमेंट हैं, इनमें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।